गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आज हम एक्सरसाइज 15.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कल तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज हम करेंगे सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हंड्रेड फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रेंडमली एंड फाइंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड नंबर ऑफ फैमिलीज इन ए ग्रुप नंबर ऑफ फैमिलीज यदि टू गर्ल्स है तो कितने हैं फोर नंबर ऑफ़ फोर सेवनटी फाइव वन में एट फोर्टीन और जीरो में टू हंड्रेड इलेवन हमने इसमें क्या निकालना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग टू गर्ल्स वन गर्ल नो गर्ल सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज राइट कितनी है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फिफ्टीन हंड्रेड राइट आगे क्या लिखना है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स फोर सेवेंटी फाइव हमने प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है प्रॉबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स की फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है प्रोबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स तो प्रॉबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स क्या आएगी फोर सेवन नंबर ऑफ फैमिलीज गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फोर सेवनटी फाइव अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड यदि आप यहां भी छोड़ दोगे तब भी आंसर रॉन्ग नहीं है यदि ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं फाइव नाइन सा फोर्टी फाइव 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 ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन जीरो जीरो फाइव वन जा फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव फाइव सिक्स जा थर्टी ज़ीरो कितना जाएगा नाइनटीन अपॉन सिक्सटी सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वन गर्ल कितनी फैमिलीज के पास वन गर्ल है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वन गर्ल कितनी फैमिलीज के पास वन गर्ल है एट वन फोर प्रॉबिलिटी ऑफ वन गर्ल इज इक्वल टू एट फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड अब ये कैंसिल नहीं होते इसको मैं एज इट इज रख दूंगी ठीक है यदि मैं इसको फोर सेवेंटी फाइव अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड भी रख देती तब भी कोई गलती नहीं थी वो भी ठीक था राइट थर्ड पार्ट में है नो no गर्ल तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल कितने फैमिलीज के पास कोई गर्ल नहीं है टू हंड्रेड इलेवन प्रॉबिलिटी ऑफ नो गर्ल इज इक्वल टू अपॉन अब भी ये कैंसिल नहीं होता है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे ठीक है आंसर कैसे होता है तीनों को प्लस कर दे तीनों की प्रॉबिलिटी यदि वन आती है तो आंसर क्या होगा हमारा राइट नाउ कम टू द क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड है मेरा इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास नाइन्थ फोर्टी स्टूडेंट्स स्टूडेंट आस अबाउट द मंथ्स ऑफ बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ मंथर्थ रिप्रेजेंटेड फॉर द डाटा सो ऑप्टेन्ड, ठीक है ये जो है पेज टू फोर्टी सेवन पे पेज टू फोर्टी सेवन पे इसके बारे में दिया हुआ पेज टू सेवन फोर्टी सेवन एक मिनट बता रही मैं तुम्हें इसके बारे में ये है पेज टू फोर्टी सेवन पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल फाइव ठीक है उसमें इसका डिटेल दिया हुआ क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें खाली क्या लिखा हुआ रेफर टू एग्जाम्पल फाइव सेक्शन फोर्टीन पॉइंट फोर चैप्टर फोर्टीन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त हमने क्या निकालना है कि कौन सा स्टूडेंट है जो अगस्त में बॉर्न हुआ था राइट right? इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उस उस अब को हम पढ़ते हैं इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास नाइन्थ फोर्टी स्टूडेंट्स अबाउट द मंथ्स ऑफ़ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑबटेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं क्या निकालना है फाइंड द प्रॉबिटी रेट इज स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त स्टूडेंट बोर्न इन द क्या लिखू मैं स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त स्टूडेंट ऑफ द क्लास नाइन्थ बोर्न इन ऑफ क्लास बॉर्न इन अगस्त कितने स्टूडेंट्स हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास नाइन्थ बॉर्न इन अगस्त कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं सिक्स स्टूडेंट्स राइट अब हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है इसकी प्रॉबिलिटी बॉर्न इन अगस्त की क्या आ जाएगी बॉर्न इन अगस्त इज इक्वल टू सिक्स अपॉन फोर्थ क्या लिखा हमने पहले लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट क्या लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास नाइन्थ बोर्न इन अगस्त इज इक्वल टू अब हमने प्रोबेबिलिटी लिखी कितने बच्चे अगस्त में बॉर्न हुए सिक्स अपॉन फोर्टी कितने हुए बॉर्न सिक्स अपॉन फोर्टी राइट अब यदि इसको आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर सकते हो नहीं तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं ओके okay?

इफ द थ्री कॉइंस असाइनमेंटेनियसली टोस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप हमने निकालना है किसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है टू हेड्स की प्रॉबिलिटी को निकालना है ठीक है ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे सबसे ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हेड्स टू हेड्स की हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है फ्रीक्वेंसी हमें टू हेड्स की दी है सेवेंटी टू प्रॉबिलिटी हमें किसकी निकालनी है टू हेड्स की तो क्या आ जाएगी सेवेंटी टू अपॉन टू हंड्रेड थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड एटीन अपॉन फिफ्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव कितना आ गया ये नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव क्वेश्चन क्या है एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड ट्वेंटी फोर फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटर्मिन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो हमें इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया है नीचे है मंथली इनकम और व्हीकल्स पर फैमिली ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ठीक है इस इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे लेस देन सेवन थाउजेंड जीरो जीरो में जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है वन व्हीकल है टू व्हीकल है या दो से ज्यादा व्हीकल्स है अब, अब टू ठीक है सेवन थाउजेंड से टेन थाउजेंड जिनकी मंथली इनकम है उनके पास कितनी कितनी व्हीकल्स है ऐसे हमें कब तक दिया हुआ थाउजेंड और मोर तक गिवन है हमने क्या दिया आगे? दियान थाउजेंड पर मंथ एम ओइंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स इसकी प्रॉबिलिटी फर्स्ट पार्ट में निकालनी है सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर पहले हम क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ राइट क्वेश्चन फिफ्थ में ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है ट्वेंटी फोर हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड राइट उसके बाद क्या लिखूंगी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में मेरे को प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है अब हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट की पॉबिलिटी अर्निंग रूपीज टेन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स क्या निकालेंगे पॉबिलिटी ऑफ अर्निंग रूपीज टेन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड पर मंथ पर मंथ राइट एंड एक्जैक्टली एंड ओइंग एक्सैक्टली अर्निंग रूपीज टेन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल टू व्हीकल्स ठीक है टेन थाउजेंड से लेकर थर्टीन थाउजेंड तक जिनकी पास दो व्हीकल्स तो कितने आएंगे वो अभी ऊपर आपके पास टेबल बनवा हुआ टेन थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड के सामने चले जाओ और टू के सामने ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड राइट फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड सेकेंड प्रॉबिलिटी निकालनी है, हमने अर्निंग रूपीज सिक्सटीन थाउजेंड और मोर पर मंथ दिस इज पर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल अब एग्जैक्टली वन व्हीकल के लिए निकालना है राइट तो क्या आ जाएगा आप अब देखो कहां देखोगे आप जहां पे मोर देन सिक्सटीन है सिक्सटीन थाउजेंड और मोर वहां चले जाओ वहां पे वन व्हीकल वन व्हीकल के आगे कितना लिखा हुआ फाइव सेवेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड थर्ड पार्ट प्रॉबिलिटी ऑफ अर्निंग लेस देन रूपीज सेवन थाउजेंड पर मंथ एंड डज नॉट एंड डज नॉट वन एनी व्हीकल एनी व्हीकल तो यह कितना आ जाएगा अब लेस देन सेवन थाउजेंड में जाके जिन्होंने कोई व्हीकल नहीं खरीदी थी है ठीक है तो वो कितनी आ जाएगी टेन टेन अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड राइट अब फोर्थ पार्ट प्रॉबिलिटी ऑफ अर्निंग रूपीज Thirteen thousand to sixteen thousand per month and owning more than and owning more than two vehicles, owning more than than two vehicles. Isme deko thirteen to sixteen may. पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन टू व्हीकल्स दो से ज्यादा व्हीकल्स हो मोर देन टू व्हीकल्स तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए इसमें कितनी है मोर देन टू व्हीकल्स में ट्वेंटी फाइव टू मीन्स मोर देन टू ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड जिसमें करता है आप काट भी सकते हो ऐसे भी छोड़ सकते हो इसमें काटना चाहो तो ये कर सकता है जाएगा वन अपॉन टू फोर्टी इसमें काटना चाहो तो इसमें भी काट सकते हैं फाइव 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 फोर सा फाइव एट सा फोर्टी जीरो फाइव वन सा फाइव फाइव नाइन सा फोर्टी फाइव फाइव सिक्स वन अपॉन नाइनटी सिक्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग नोट मोर देन वन व्हीकल नोट मोर देन वन व्हीकल एक व्हीकल से ज्यादा ना हो नोट मोर देन वन व्हीकल मतलब क्या हो जाएगा इसमें आपने बाकी की सारी काउंट कर लेनी है क्या क्या काउंट करोगे यहां पे मैं लिख रही हूं जीरो और वन दोनों को प्लस कर लेंगे टेन प्लस जीरो को काउंट करने का फायदा नहीं है टेन प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन सिक्सटी प्लस थ्री जीरो फाइव प्लस फाइव थर्टी फाइव प्लस फोर सिक्स नाइन प्लस फाइव सेवेंटी नाइन इन सब का प्लस कर लिया आ गया टू जीरो सिक्स टू तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी टू सिक्स टू अपॉन यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी टू सिक्स टू अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैंसिल कर दो वन जीरो थ्री वन अपॉन ट्वेल्व हंड्रेड कितनी आ जाएगी वन जीरो थ्री वन अपॉन ट्वेल्व हंड्रेड राइट ये हमें इसके फाइव पार्ट थे फाइव के फाइव कर दिए आपने ये कैसे देखना है इसके टेबल में जाके जो चीज हमें पूछी है उसके सामने हमने देखना है वो डिजिट लिख के टोटल नंबर ऑफ फैमिली को लिख देना है ओके नाउ कम टू सिक्स क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सिक्स क्वेश्चन इज सिक्स इज रेफर टू टेबल फोर्टीन पॉइंट सेवन चैप्टर फोर्टीन फाइंड द प्रबिलिटी डेट अ स्टूडेंट ऑबटेन लेस देन ट्वेंटी परसेंट इन द मैथमेटिक टेस्ट फाइंड द प्रबिलिटी डेट अ स्टूडेंट ऑब मार्क्स सिक्सटी और अबब इसमें हमें दो पार्ट्स की निकालनी है प्रॉबिलिटी कितने पार्ट की निकालनी है दो पार्ट की प्रॉबिलिटी निकालनी, निकालनी है देखो इसका जो ये है कौन से पेज पे हमें दिया हुआ ये हमें दिया हुआ पेज नंबर ये है फोर्टीन पॉइंट सेवन टेबल चैप्टर फोर्टीन फोर्टीन पॉइंट सेवन टेबल फोर्टीन पॉइंट सेवन गो पेज वन फिफ्टी वन पे पेज वन फिफ्टी वन पे टेबल दिया हुआ ये ठीक है उसे हम टेबल देख लेंगे टेबल नंबर फोर्टीन पॉइंट सेवन आइए इसमें हमें क्या दिया हुआ ए टीचर वॉन्टेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक टेस्ट ऑफ हंड्रेड मार्क्स इसका हमने खाली क्या देखना है टेबल देखना है. है टेबल देख लेंगे उसके बाद हमें क्या निकालनी है फाइंड द प्रोबिलिटी डेट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन ट्वेंटी परसेंट इन मैथमेटिक टेस्ट सेकेंड फाइन द प्रोबिलिटी डेट ए स्टूडेंट ऑप्टेन मार्क्स सिक्सटी और अबब पहली लाइन क्या लिखेंगे इसकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट लाइन इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्सटी सिक्सटी नहीं कितने हैं टोटल नंबर स्टूडेंट्स 90 ठीक है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट ऑबटेंट ए स्टूडेंट ऑबटेंट लेस देन ट्वेंटी परसेंट लेस देन ट्वेंटी परसेंट इन मैथमेटिक टेस्ट अब लेस देन ट्वेंटी देखो कितने ट्वेंटी से कम है वो है जीरो टू ट्वेंटी मतलब जीरो से नाइनटीन के बीच में आ जाएंगे तो वो सेवन है सेवन अपॉन नाइनटी फर्स्टर सेकेंड पॉबिलिटी डेट स्टूडेंट ऑबेंड स्टूडेंट ऑबटेन्ड मार्क्स सिक्सटी और अब जिनके सिक्सटी या सिक्सटी से ज्यादा परसेंट नंबर आते हैं सिक्सटी या सिक्सटी से अब अब फिफ्टीन प्लस एट कितने बन गए ट्वेंटी थ्री तो कितनी आएगी प्रॉबिलिटी ट्वेंटी थ्री अपॉन नाइन्टी ठीक है आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी ओके थैंक यू